अगर आप क्रिकेट की सारी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो बस सब्सक्राइब करें क्रिकेट ट्रू फैंस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकॉन को लेटेस्ट अपडेट पाए सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के 14th मैच के बारे में जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा 9 जून 2019 को। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इन पांच टॉपिक्स पर बात करेंगे जो कि नंबर एक पर दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 एंड मैच प्रीव्यू, नंबर दो पर हेड टू हेड मैचेस इन ओडीआई फॉर्मेट, नंबर तीन पर हेड टू हेड मैचेस इन वर्ल्ड कप, नंबर चार पर पॉइंट्स टेबल एनालिसिस, नंबर पांच पर मैच प्रेडिक्शन और साथ ही साथ आपको बताएंगे ये मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और क्या टाइम स्टार्ट होगा। दोस्तों प्री डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक प्री वीडियो देखते रहे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का 14th मैच जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा, जो कि मैच 9 जून 2019 संडे को खेला जाएगा, जो कि मैच लंदन के केनिंगटन ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच 3 PM से स्टार्ट होगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते टॉपिक नंबर 1 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड मैचेस इन ओडीआई फॉर्मेट सिंस 1980। दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच टोटल 135 मैचेस खेला गया 1980 से, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 76 मैचेस में जीत हासिल की और वहीं टीम इंडिया ने 49 मैचेस में जीत हासिल की और 10 मैचेस ड्रॉ हुए, यानी 10 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों चलिए बात कर लेते टॉपिक नंबर 2 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड मैचेस इन वर्ल्ड कप। दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच टोटल 11 मैचेस खेला गया, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैचेस में जीत हासिल की और वहीं टीम इंडिया ने 3 मैचेस में जीत हासिल की। दोस्तों चलिए बात कर लेते टॉपिक नंबर 3 पॉइंट्स टेबल एनालिसिस। दोस्तों अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल के बारे में तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2019 में टोटल 2 मैचेस खेला है और 2 के 2 मैचेस में शानदार जीत दर्ज की और अब पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड पोजिशन पर है। दोस्तों जहां बात करें टीम इंडिया की तो दोस्तों टीम इंडिया अभी तक सिर्फ 1 ही मैच खेलकर जीता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अब टीम इंडिया का दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा और टीम इंडिया फिलहाल 5th पोजीशन पर है पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की फाइनल प्लेइंग 11 आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के 14th मैच के लिए, जो कि सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 जो कि नंबर 1 पर आते डेविड वार्नर, नंबर 2 पर आते रॉन फिंच जो कि कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, नंबर 3 पर 2 नाम आ रहे हैं, पहला नाम उस्मान ख्वाजा, दूसरा नाम शॉन मार्च, नंबर 4 पर आते स्टीवन स्मिथ, नंबर 5 पर आते ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर आते मार्कस स्टोनिस, नंबर 7 पर आते एलेक्स करी जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज है ऑस्ट्रेलिया के, नंबर 8 पर आते नेथन कुल्टनाइल, नंबर 9 पर आते पैट कमिंस, नंबर 10 पर आते आदम जैम्पा, नंबर 11 पर आते मिचेल स्टार्क। दोस्तों ये तो रहे ऑस्ट्रेलिया की कंफर्म प्लेइंग 11 आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के 14th मैच में देखने को मिलेगा टीम इंडिया के खिलाफ। दोस्तों चलिए बात कर लेते टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के 14th मैच के लिए, जो कि नंबर 1 पर आते रोहित शर्मा जो के वाइस कैप्टन है टीम इंडिया के, नंबर 2 पर आते शिखर धवन, नंबर 3 पर आते विराट कोहली जो के कप्तान है टीम इंडिया के, नंबर 4 पर आते केएल राहुल, नंबर 5 पर आते एमएस धोनी जो के विकेटकीपर बल्लेबाज है टीम इंडिया के, नंबर 6 पर आते केदार जाधव, नंबर 7 पर आते हार्दिक पांड्या, नंबर 8 पर आते भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर आते जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 पर आते युजवेंद्र चहल, नंबर 11 पर 2 नाम आ रहे हैं, पहला नाम मोहम्मद शामी, दूसरा नाम कुलदीप यादव। दोस्तों ये तो रहे दोनों टीम्स की फाइनल प्लेइंग 11 आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के 14th मैच के लिए। दोस्तों चलिए बात कर लेते टॉपिक नंबर 5 मैच प्रेडिक्शन। दोस्तों अगर हम बात करें मैच प्रेडिक्शन की तो दोस्तों मेरे हिसाब से टीम इंडिया जीतेगी, मेरी प्रेडिक्शन टीम इंडिया के साथ जाएगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।